हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बजाज फाइनेंस के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए हैं और भाई जैसा कि एक्सपेक्टेड था, प्रॉफिट्स में थोड़ी सी गिरावट दिखी है। तो अब आपको भाई बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए, इसको बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है, और भाई इसके रिजल्ट्स में क्या क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके रिजल्ट्स। तो भाई आप देखेंगे कि प्रॉफिट में 19.4% की गिरावट आई है YOY, जो कि अब आया है 948 करोड़। और ये गिरावट आप लोगों को इसलिए दिख रही होगी, जैसा कि आपने बैंक्स के सारे रिजल्ट्स में देखे होंगे कि सबने हाई प्रोविजनिंग करी है और भाई बजाज फाइनेंस ने भी हायर प्रोविजनिंग करी है COVID-19 की वजह से, और इसीलिए आपको प्रॉफिट में डिक्लाइन दिख रहा होगा। और दोस्तों, इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा कम डिक्लाइन दिखेगा आपको, क्योंकि भाई इनको थोड़ा सा टैक्स का फायदा मिला है। इन्होंने रिड्यूस रेट अडॉप्ट किया था टैक्स कंप्यूटेशन में, तो थोड़ा सा उसका फायदा मिला है, लेकिन प्रोविजनिंग तो हुई है। अब आप देखेंगे कि भाई 900 करोड़ की प्रोविजनिंग तो COVID-19 की वजह से ही हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रॉफिट्स पे कितना बड़ा डेंट दिखेगा आपको। और कंपनी ने यह भी कहा कि अगर भाई COVID-19 की प्रोविजनिंग को एडजस्ट कर दें तो आपको 38% का राइज दिखता प्रॉफिट में। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम 38% YOY बढ़कर के आई है 4684 करोड़। अगर आप इनके लोन्स देखेंगे तो भाई लोन बुक भी 3% से बढ़ी है और अब हो गई है 6.03 मिलियन, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 5.83 मिलियन। और भाई ये जो इनकी लोन बुक की ग्रोथ है, ये इंपैक्ट हुई है लॉकडाउन की वजह से। इन्होंने कहा कि भाई अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो 21% से इनकी लोन बुक बढ़ जाती और वो बढ़ करके हो जाती 7.03 मिलियन। तो लॉकडाउन का तो सीधा सीधा असर भाई NBFCs पे पड़ना ही था। और भाई इस क्वार्टर में इनके 10 प्रोडक्टिव डेज अफेक्ट हो गए थे COVID-19 की वजह से, जिसकी वजह से लोन बुक में आपको इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही होगी जितनी होनी चाहिए थी। और भाई इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी गिरावट आई है, और जो कि आया है 4500 करोड़। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे भाई इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट YOY 27% से बढ़ा है, जो कि अब हो गया है 1,47,000 करोड़। ग्रॉस एनपीएस बिल्कुल फ्लैट रहे हैं 1.61% पे, लेकिन नेट एनपीएस में गिरावट दिखी है 5 बेसिस पॉइंट्स की। 5 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है दोस्तों 0.05%, 1 BPS इक्वल्स टू 0.01%। तो 5 बेसिस पॉइंट से नेट एनपीएस में डिक्लाइन आया है, जो कि हो गया है 0.65%, जो कि पहले था 0.70%। तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है और ग्रॉस एनपीएस फ्लैट रहे हैं, तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। अगर कंपेयर करें इस फाइनेंशियल ईयर को लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो आप देखेंगे कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे 32% से प्रॉफिट्स बढ़े हैं और बढ़कर के हो गए हैं 5,264 करोड़। और नेट इंटरेस्ट इनकम तो 42% से बढ़ी है और बढ़कर के हो गई है 16,913 करोड़। तो भाई फाइनेंशियल ईयर में तो ग्रोथ दिख रही है, लेकिन इनका एक क्वार्टर इंपैक्ट हो गया था और हो सकता है अगला एक क्वार्टर भी इंपैक्टेड रहे। आप देख सकते हैं भाई स्टॉक ऑलरेडी 41% एक साल में गिर चुका है, YTD बेसिस पे 53% गिर चुका है, और भाई मार्च क्वार्टर में 48% गिर चुका है। तो भाई जो खराबियां थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई हैं। अब भाई देखते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। अभी तक तो कहना था कि भाई इसका 1600 तक जाएगा ये, अब देखते हैं कि अब क्या कह रहे हैं ये लोग। तो आप देखेंगे कि ब्रोकरेजेस कह रही हैं द स्टॉक विल बी द फर्स्ट टू रिकवर वंस द लॉकडाउन एंड्स एंड इकोनॉमी रीओपन्स। ये तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। मॉर्गन स्टैनली ने इनको टारगेट प्राइस दिया है 2740 का, और HSBC ने इसको बाय कॉल दिया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 3700 पर शेयर। तो ये लोग भी बुलिश हो गए हैं अब इसके लिए। लेकिन भाई हमें ब्रोकरेजेस के कहने पे नहीं जाना है, हमें अपना दिमाग लगाना है। ना तो हम इनके कहने पे गए थे जब इन्होंने 1600 का टारगेट दिया था, और ना ही हम अब जाएंगे जब ये 3600 का टारगेट दे रहे हैं। हम भाई अपनी एनालिसिस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। आप देख सकते हैं भाई एक साल में ऑलरेडी 43% करेक्ट कर चुका है, और आप 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में आज भी आपको इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स ही दिखेंगे। चाहे इतनी बड़ी गिरावट आ गई है इसमें, उसके बावजूद आपको इतने बड़े रिटर्न्स दिख रहे होंगे दोस्तों। ऐसी शानदार कंपनी है ये। अब बात करते हैं भाई कि आपको इसमें करना क्या है। तो आप देख सकते हैं इसकी RSI तो बहुत वीक चल रही है और बहुत टाइम से वीक चल रही है, और ये अभी फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है बिल्कुल, और MACD बिल्कुल न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है सिग्नल लाइन के साथ। और लेकिन एक खास चीज है इसमें दोस्तों, जो कि मीडियन होता है बोलिंजर बैंड का, जो कि 20 डे का EMA भी होता है, ये बार बार उसको टच कर करके वापस आ रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं उसको टच करके वापस आया, यहां पे आया, फिर से वापस आया। तो दोस्तों हम तो इसमें क्या कर रहे हैं भाई, मान लेते हैं कि ये 20 डे का मूविंग एवरेज है, ये इसको यहां पे टच करता है, तो हम इसको यहां पे बाय करते हैं, यहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और बाकियों को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये फिर से नीचे आता है और फिर से यहां पे जाता है, तो हम यहां पे फिर से बाय करते हैं और यहां पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हो जाती है हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग की पोजिशनल ट्रेडिंग, और बाकी तो लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड ही कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 1964, और भाई इस प्राइस पे बजाज फाइनेंस को लपकने में आपको बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदा है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। अगर आपने 2000 के आसपास बाइंग करी है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे काफी बार बता चुका हूं, तो आप इसके लिए थोड़ा और वेट कीजिए। तो अगर ये जाता है 1800 से 1850 के आसपास, तो हम इसमें
में फिर से बाइंग करेंगे, तब तक तो हम भाई वेट करेंगे इसके और गिरने का, और अगर ये भागता है तो हम इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे दोस्तों। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, जब मार्केट भागेगी तो ये सबसे पहले भागेगा दोस्तों, और रॉकेट हो जाएगा और आपके हाथ भी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।